नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। एक तरफ जहां किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, किसान जो हैं 26 तारीख से लगातार जो हैं दिल्ली जुटने शुरू हो गए हैं और लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन वो बातचीत जो है बेनतीजा रही है अब तक, क्योंकि किसान जो है तीनों कानून रद्द करवाना चाह रहे हैं और सरकार जो है संशोधन को लेकर अड़ी हुई है। अगर बात करें कल की, तो कल भी जो है पूरे हरियाणा में जो है बीजेपी नेताओं द्वारा, बीजेपी के द्वारा एक दिन का उपवास रखा गया SYL के मुद्दे को लेकर, क्योंकि बीजेपी जो है अभी जो है नहर का मुद्दा लेकर के उतरी है। SYL का जो मुद्दा है उसको लेकर के जो है हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनके बीच में जो फूट डालने की जो राजनीति जो है बीजेपी अभी कर रही है। और इसी बीच में अभी हम मौजूद हैं उकलाना में, जहां जो है नगर पालिका के चुनाव जो हैं 27 तारीख को होने हैं। और यहां आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक ट्रैक्टर है जो अभी दिल्ली के लिए कूच कर रहा है, और इनसे जानते हैं कि जो उकलाना का जो नगर पालिका चुनाव है उसका उस पर जो है कितना असर रहेगा इन किसान आंदोलन का। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या उकलाना से पहले भी जो हैं लोग गए हैं? हाँ, बहुत गए हुए हैं, राशन लेके भी गए हुए हैं, वहीं ट्रैलियाँ हैं अभी तक, वहीं हैं। तो अभी जो है 27 तारीख को नगर पालिका का चुनाव है उकलाना में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना जो असर है वो किसान आंदोलन का इस चुनाव पर रहने वाला है? कोई असर नहीं हो रहा, चुनाव तो फिर आ जाएंगे, लेकिन हमारा हक अगर छिन गया तो फिर दोबारा थोड़ा मिलेगा। चुनाव तो 5 साल के बाद दोबारा आ जाएंगे जी। लेकिन अगर हमारे हक नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे जी? अगर मैं बात करूँ राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि बीजेपी और JJP की बात करूँ, मैं कांग्रेस की बात करूँ, तो सभी पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं उतरे हैं मैदान में। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब जो किसान विरोधी जो सरकार है, जो आप किसान अब तक बोलते आ रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों की मांगों को नहीं मान रही है, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये चुनाव? बहुत मुश्किल होगा जी। अब आप लगा लो कि हमें दर्जी के पास सिलवाने तो गए पजामा, लेकिन उसने सिल दिया और कुछ, पर वो उसके फायदे बता रहे हैं, हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं, हमें तुम्हारे ऊपर क्यों थोपने लगे हुए हैं? जब हमें चाहिए ही नहीं है चीज़, हमें अपना हक दे दें, रद्द कर दें ये कानून जी। बस हम चाहते इतना। अगर मैं बात करूं अभी इसकी चुनाव की, तो इसमें मतलब क्या आपके गांव में, जैसे आप उकलाना से हैं, तो क्या पार्टियां जो है राजनीतिक पार्टियां उनके जो उम्मीदवार है आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं? हाँ आए हैं जी। JJP BJP के तो हम देंगे नहीं वोट, BJP और JJP का हम बिल्कुल जमकर विरोध करेंगे, क्योंकि ये किसान के पूरे खिलाफ सरकार है, जजपा भी और भाजपा भी। हम ना तो इन उम्मीदवारों को हमारे घर पे वोट मांगने के लिए आने देंगे, ना इनके किसी प्रकार से इलेक्शन इनका सक्सेसफुल होने देंगे। ये इनकी तो जमानत भी नहीं बच पाएगी। हाँ जी। मेरा नाम जगजीत, उकलाना से जी। बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपने बताया कि 26 तारीख से लगातार जो है किसान जो हैं दिल्ली जा रहे हैं, तो इसके अगर मैं आज की बात करूँ, तो आज आप कोई सामग्री लेकर जा रहे हैं या फिर जो वैसे ही जो किसान हैं वो जा रहे हैं? सामग्री भी लेकर जा रहे हैं और साथ में संयोग में हिस्सा देने भी अपना जा रहे हैं जी। सामग्री भी है हमारे पास और पहले भी गई हैं 2 ट्रैलियाँ, जो ज़रूरत है वहाँ पहुँचा रहे हैं हम सामान जी। क्योंकि वहाँ हमारे बुजुर्ग माता बहने इतनी ठंड में सो रहे हैं, मोदी तो AC रूमों में गर्म हीटर लगा के सोता है, उसको क्या पता जिम्मेदारा क्या चीज़ होती है जी। खट्टर को क्या पता जिम्मेदारा क्या चीज़ है? एक दिन हमारे साथ आके पानी लगा के देखे रात को, नहर का फिर बता देंगे भी पानी क्या होता है जिम्मेदारा उनको क्या जो बता? कल उपवास रखा गया है BJP द्वारा एक दिन का SYL के मुद्दे को लेकर, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनको आपस में भिड़वाने का जो ये षड्यंत्र, ये बिल्कुल ही इन्होंने भिड़ाने का षड्यंत्र, हम चाहिए नहीं, हम भाई भाई हैं, पंजाब और हरियाणा भाई भाई हैं, हम अपने आप बैठ के ये मुद्दे निपेड़ लेंगे, बाकी ये भिड़ाने की साजिश ना करें। ये उपवास रखा गया, ये सिर्फ एक ढोंग रचा गया है, घोषणा कर रहे हैं BJP वाले, BJP सरकार बचने के लिए जुमले देती देती नहीं थकी, लेकिन हम लेते लेते थक चुके हैं, इनका काम ही है जुमले देना जी। तो हम बहुत बहिष्कार करते हैं इन सरकारों का। धन्यवाद जी। धन्यवाद राणा साहिब उकलाना गाँव से। जिंदाबाद 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 मोदी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, JJP पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसा कि हमने आप
को उकलाना के जो किसान हैं जो अभी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनसे बातचीत करवाई सुनवाई, तो इनका भी यही कहना है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसान विरोधी जो बिल लेकर के आई हैं उसका ये बहिष्कार करेंगे, और जो भी बीजेपी व जेजेपी का जो भी उम्मीदवार जो अभी उकलाना नगर पालिका चुनाव में उतरा है उसको वोट नहीं दिया जाएगा। सिटी 24 चैनल के साथ रीना राजपूत।